हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनसीईआरटी विंग्स। आज मैं आपको ज्योग्राफी का क्लास 6 का चैप्टर 1 बताने जा रहा हूँ, द अर्थ इन द सोलर सिस्टम, मतलब सोलर सिस्टम का अर्थ। आज मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊँगा ज्योग्राफी के क्लास 6 चैप्टर 1 के, जैसे सेलेस्टियल बॉडीज होता क्या है, द मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज। जो भी मून और जो भी ऑब्जेक्ट आपको रात में चमकते हुए दिखते हैं आसमान में, वो सब सेलेस्टियल बॉडीज होते हैं। आप इसको डिफिनेशन भी लिख सकते हैं। कुछ सम सेलेस्टियल बॉडीज आर वेरी बिग एंड हॉट, दे आर मेड अप ऑफ गैसेस, दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट विच दे इमिट इन लार्ज अमाउंट, दिस सेलेस्टियल बॉडीज आर कॉल्ड स्टार। कुछ सेलेस्टियल बॉडीज होते हैं जो बहुत बड़े होते हैं और बहुत ज़्यादा हॉट होते हैं, गर्म होते हैं। वो कुछ गैसेस से मिल के बने होते हैं, उनके अपने हीट और लाइट होते हैं, वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में होते हैं। उन सेलेस्टियल बॉडीज़ को हम स्टार बोलते हैं, और जो वेरियस पैटर्न में कुछ ग्रुप ऑफ स्टार होते हैं उन्हें हम कॉन्स्टेलेशन बोलते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इजिली रिकॉग्नाइजेबल कॉन्स्टेलेशन इज द सप्तऋषि, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ 7 स्टार दैट फॉर्म पार्ट ऑफ अ उर्सा मेजर कॉन्स्टेलेशन। अब देखिए, कॉन्स्टेलेशन किसे कहते हैं, जो हम बोलते हैं सप्तऋषि, मतलब होता है इसका 7 ऋषिज सेजेस, ठीक है। जो आप सुने होंगे कि 7 ग्रुप ऑफ स्टार निकलता है, ठीक है, उसे हम कॉन्स्टेलेशन बोलते हैं, और ये पार्ट है किसका, उर्सा मेजर कॉन्स्टेलेशन का। द नॉर्थ स्टार इंडिकेट द नॉर्थ डायरेक्शन, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द पोल स्टार। जो नॉर्थ स्टार होता है वो क्या इंडिकेट करता है, नॉर्थ डायरेक्शन इंडिकेट करता है, उसे हम क्या कहते हैं, पोल स्टार कहते हैं। सम सेलेस्टियल बॉडीज डू नॉट हैव देयर ओन एंड हीट एंड लाइट, दे आर लिट बाई लाइट ऑफ स्टार, सच बॉडीज आर कॉल्ड प्लैनेट्स। कुछ सेलेस्टियल बॉडीज होते हैं जो उनके अपने हीट और लाइट नहीं होते हैं। यहाँ हमने क्या पढ़ा कि यहाँ जिसके हीट और लाइट होते हैं उसे हम स्टार बोलते हैं, और यहाँ हम पढ़ रहे हैं कि जिसके हीट एंड लाइट नहीं होते हैं खुद के, वो दूसरों के लाइट से चमकते हैं, जैसे स्टार के लाइट से चमकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, प्लैनेट कहते हैं। सच बॉडीज आर कॉल्ड प्लैनेट। और ये प्लैनेट वर्ड कहाँ से आया, द वर्ड प्लैनेट कम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्लैनेटाई, प्लैनेटाई से आया, उसका मतलब क्या होता है, वैंडरर्स। The sun, 8 planets, satellites and some other celestial bodies known as asteroid and meteoroid. जो sun है और जो भी 8 planets हैं और जो भी satellites हैं, जो अलग other celestial bodies हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, asteroid और meteoroids।